जब तक लोग भूख से मर ना जाए आपको महंगाई नजर ही नहीं आनी है। जब तक लोग मर ना जाएंगे, जब तक आपको सड़कों पर भूख से नंगे लोग नजर नहीं आएंगे। जनरल साहब, क्या वाकई मुल्क में महंगाई नहीं है? देखिए, महंगाई है, इससे तो इनकार करना ना समझ तो अपने आप को धोखा देने वाली बात है। महंगाई है और महंगाई बड़ी भी है। तो हुकूमत को अपने तौर पे अपनी एक्सप्लेनेशन देने का तो हक है कि वो क्यों महंगाई है और वो उनके कंट्रोल से बाहर क्यों है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई नहीं है। अगर वो ये कहेंगे कि महंगाई नहीं है तो मेरा ख्याल है कि वो एक एक फिर आप कह लीजिए कि खोल में रह रहे हैं जहां उनको बाहर के हालात का पता नहीं है कि लोगों के साथ क्या होता है। तो ये तो पूरी दुनिया में, अभी श्रीलंका का पढ़ रहा था, वहां पे बिल्कुल वो बैंक्रप्टसी के करीब आए पड़े हैं, हाथ उठा लिए उन्होंने। इसी तरह बहुत सारे मुल्कों में हालात बहुत बुरे, और हमारी इकोनॉमी पहले भी बहुत अच्छी थी, तो खाले इसको तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं। ठीक हो गया। अतर, क्या कोई जिद है जो खान साहब ये कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है? देखिए, खान साहब ने ये नहीं कहा, खान साहब ने बेसिकली अपने तर्जुमानों को ये कहा है कि आप इसका दिफा करें कि महंगाई क्यों है, लोगों को बताएं। उनका कहने का मकसद ये था कि वो लोग जिनके अकाउंट्स में अरबों रुपए आते हैं उनके तर्जुमान जो है फिर भी बैठ के अपने लीडरान को का दिफा करते हैं, तो आप लोग क्यों नहीं मेरा दिफा कर पा रहे, आप क्यों नहीं हुकूमत का दिफा कर पा रहे। तो बेसिकली बुनियादी मकसद उनका ये था, बाकी तो खान साहब खुद भी मानते हैं महंगाई है, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। ठीक है, नसीम सिद्दीकी साहब। देखिए शायस्ता, महंगाई जरूर है, लेकिन मैंने देखा कि लोगों के पास बाइंग कैपेसिटी इतनी है कि सड़कों पे उसी तरह गाड़ियों का रश है। आपने न्यू ईयर वाले दिन भी देखा तो पेट्रोल के स्टेशन के ऊपर पेट्रोल की लाइनें लगी हैं, शाम को देर से बेकरी पे चले जाएं, अंडे खत्म है, डबल रोटी खत्म है। महंगाई जरूर है, लेकिन मैंने देखा है लोगों के पास जो है वो बाइंग कैपेसिटी अभी भी ठीक है। लेकिन ये कि खान साहब को इस चीज को मानना चाहिए, जब वो मानेंगे तभी तो इसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अपने तर्जुमानों को जरूर कहें कि डिफेंड करें, लेकिन महंगाई को कुछ कम करें ताकि जो सैलरीड पेशा है स्पेशली उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। ठीक है एनबीसी, ये हुकूमत कब समझेगी कि उनका काम डिफेंड करना नहीं है बल्कि इसका सॉल्यूशन निकालना है? ये नहीं समझेंगे, अब तक नहीं समझ पाए लोग। और सबसे अफसोसनाक बात यह है कि सबसे बाखबर इंसान इमरान खान बेखबर है। और मेरा ख्याल ये है कि अब वही जमाना वापस आ गया है जब नौकरशाही जो ब्रीफ करती थी आप उससे बात करते थे और अच्छी बात सुनना चाहते थे सिर्फ कि जी वाह वाह क्या बात है, महंगाई का तो खात्मा कर दिया आपने। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि ये बताएं लोगों को कि महंगाई नहीं है, महंगाई और कम होगी। अफवाह चौधरी कल का यही अफवाह चौधरी ने कि महंगाई नहीं है और आज भी का। ठीक हो गया। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आज जब फवाद चौधरी साहब से पूछा गया कि मिर्चें महंगी हो गई हैं तो उन्होंने कहा सारी ऑपोजिशन की आंखों में पड़ गई हैं। जब आप इस तरह के जवाब देंगे और तमस्कर उड़ाएंगे तो फिर लोगों को समझ नहीं आती है, फिर लोग वोट की ताकत से आपको जो जवाब दे रहे हैं पिछले एक साल से, चाहे वो ज़िमनी इंतखाबात हों, चाहे वो कंटोनमेंट के इंतखाबात हो, चाहे केपी के इंतखाबात हों, वो जवाब आपको आवाम का मिल रहा है या आपके सर्वे जो 61% दिखा रहे हैं ये ठीक नहीं। 100% लोग समझ रहे हैं कि महंगाई जो है वो बहुत ज़्यादा है और कुव्वत खरीद लोगों की बहुत कम हो गई है। अगर नसीम साहब को कहीं अंडे नज़र नहीं आते तो ठंड बहुत पड़ रही है, अगर गरीब आदमी अंडा खा लेता है तो कुछ ना कुछ बेच के ही अपनी सेहत के लिए या अपने बच्चों को खिला रहे हैं। आप उसका इस तरह मजाक ना उड़ाएं। नहीं, मैंने तो मजाक कोई नहीं उड़ाया, मैंने तो सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि आप कह रहे हैं कि दुकानों पे अंडे नहीं मिल रहे लिहाजा महंगाई नहीं है। मुझे वो गरीब ने जिंदा तो रहना है, आप जब तक लोग भूख से मर ना जाए आपको महंगाई नजर ही नहीं आनी है। जब तक लोग मर ना जाएंगे, जब तक आपको सड़कों पर भूख से नंगे लोग नजर नहीं आएंगे। आपका पॉइंट आ गया, सभी एनालिस्ट ये है कि महंगाई तो है, लोग मुश्किल में भी हैं और हुकूमत को इसका सद्देबाप करना पड़ेगा वरना हुकूमत के लिए भी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। आपने वो मुहावरा सुन रखा होगा कि लकीर का फकीर बनना, इस मुहावरे से मुराद एक ऐसा शख्स है जो अपनी अक्ल से काम नहीं लेता, अंधाधुन पुरानी जो रस्म रिवाज उसकी पैरवी करता है। लकीर का फकीर वाला जो मुहावरा है ना, उन लोगों पर मेरे ख्याल से ज्यादा फिट बैठता है जो किसी के इशारों पर अंधाधुन अमल कर रहे हो और उनकी अपनी कोई सोच ही ना हो, ना अपना कोई नजरिया हो। अच्छा, इसी तरह ना एक और मुहावरा भी है, जैसे कहते हैं पत्थर पर लकीर होना। अब इसका मतलब क्या है कि जी मुस्तकिल जो पक्का या फिर ऐसा फैसला जो तब्दील ना हो सके या ऐसी बात जो हर सूरत हो कर रहे। अब ऐसी भी कई लकीरें हैं जिन पर चलकर इंसान कभी नाकाम नहीं होता, जैसे ईमानदारी की लकीर, मेहनत की लकीर, महारत की लकीर।
अगर हम इन लकीरों को पत्थर पर लिखी लकीर समझ लें, यानी अपने पल्ले बांध लें, तो यकीनी तौर पर हमें कभी किसी भी शर्मिंदगी और नाकामी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन लकीरों का जिक्र कहानी में एक प्रोफेसर भी कर रहे हैं। कहानी कुछ यूँ है कि एक दिन प्रोफेसर साहब से जूता पॉलिश करने वाले बच्चे ने जूता पॉलिश करते करते पूछा कि मास्टर साहब, क्या मैं भी बड़ा आदमी बन सकता हूँ? प्रोफेसर ने कहका लगाया और बच्चे से कहा कि क्यों नहीं, दुनिया का हर शख्स बड़ा आदमी बन सकता है। अच्छा, बच्चे का अगला सवाल ये था कि वो कैसे। बच्चे को समझाने के लिए प्रोफेसर ने अपने बैग से एक चौक निकाला और बच्चे की कोके की जो दीवार है ना, उस पर दाएं से बाएं तीन लकीरें लगा दी। अच्छा, पहली लकीर पर उसने लिखा मेहनत, मेहनत और मेहनत। दूसरी लकीर पर लिखा ईमानदारी, ईमानदारी, ईमानदारी। और तीसरी लकीर पर सिर्फ एक लफ्ज़ हुनर, हुनर लिखा। अब बच्चा प्रोफेसर को चुपचाप देखता रहा। प्रोफेसर ये लिखने के बाद बच्चे की तरफ मुड़े और बोले कि तरक्की की मंजिल पाने के लिए तीन सीढ़ियाँ, पहली सीढ़ी मेहनत। अच्छा, प्रोफेसर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा कि आप जो भी हैं, आप अगर सुबह दोपहर और शाम तीन औकात में मेहनत कर सकते हैं तो आप 30% कामयाब हो जाएंगे। आप कोई सा भी काम शुरू कर दें, आपकी दुकान, फैक्ट्री, दफ्तर या फिर खोखा, सुबह सबसे पहले खुलना चाहिए और रात को आखिर में बंद होना चाहिए, आप कामयाब हो जाएंगे। फिर प्रोफेसर ने कहा कि हमारे इर्द गिर्द मौजूद 90% लोग बड़े सुस्त होते हैं जो मेहनत नहीं करते हैं, लेकिन आप जो ही मेहनत करते हैं तो ऐसे में आप 90% सुस्त लोगों की फहरिस्त से निकलकर 10% जो मेहनती लोग हैं उनमें शामिल हो जाते हैं और आप तरक्की के लिए अहल लोगों में शुमार होने लगते हैं। फिर कहते हैं जी अगला मरहला ईमानदारी। ईमानदारी चार आदतों का पैकेज है, वादे की पाबंदी, झूठ से नफरत, जबान पर कायम रहना और अपनी गलती का एतराफ करना। आप मेहनत के बाद ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। वादा करो तो पूरा करो, झूठ किसी कीमत पर ना बोलो, जबान से अगर एक बार भी बात निकल जाए तो फिर उस बात पर हमेशा कायम रहो और हमेशा अपनी गलती, कोताही और खामी का आगे बढ़कर एतराफ करो। अगर तुम ऐसा करने लगोगे तो तुम ईमानदार हो जाओगे और कारोबार में ऐसी जो ईमानदारी है, इसकी जो शरह है वो 50% होती है। आप 30% शरह मेहनत से हासिल करते हैं, आपको 50% ईमानदारी देती है और पीछे रह गया 20%, तो ये 20% शरह हुनर से हासिल होती है और आपका जो प्रोफेशनलिज्म है, वो आपका जो स्किल है, आपका हुनर है, आपको बाकी 20% भी दे देगा और यूँ तुम इस तरह 100% कामयाब हो जाओगे। अच्छा, प्रोफेसर ने बच्चे को बताया, लेकिन ये याद रखो कि हुनर, प्रोफेशनलिज्म और स्किल की शरह जो है सिर्फ 20% है और ये 20% भी आखिर में आता है। आपके पास अगर हुनर की कमी है तो भी आप मेहनत और ईमानदारी से 80% कामयाब हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप बेईमान हैं, सुस्त हैं और आप सिर्फ हुनर के जोर पर कामयाब हो जाएं। आपको मेहनत से ही स्टार्ट लेना होगा, ईमानदारी को अपनी ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बनाना होगा और आखिर में ख़ुद को हुनरमंद साबित करना होगा। अच्छा, प्रोफेसर ने बच्चे से कहा कि मैंने दुनिया के बेशुमार हुनरमंदों और फनकारों के को भूखे मरते हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो बेईमान भी थे, सुस्त भी थे। और मैंने दुनिया के बेशुमार बेहुनरों को जाती जहाज उड़ाते हुए देखा। क्यों? क्योंकि वो ईमानदार थे, मेहनती थे। अगर तुम इन तीन लकीरों पर चलना शुरू कर दो तो तुम आसमान की बुलंदियों को भी छूने लगोगे। अब नाज़रीन, कामयाबी के लिए इस कहानी में ईमानदारी को भी लाजमी हिस्सा करार दिया गया और ईमानदारी में नफरत से परहेज़, गलतियों को तस्लीम करना, झूठ ना बोलना, अपनी बात पर कायम रहना, ये सब कुछ शामिल है।